सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अडोब फोटोशॉप मास्टर क्लास में अपनी एक पूरे एक्सपर्ट बन सकते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप इसमें हम एक सीरीज शुरू करने वाले एपिसोड्स की, जिसमें हम हर एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उसका आपका फुल रिव्यू देंगे और पूरा अच्छे से आपको सिखाएंगे माइन्यूट से माइन्यूट थिंग। तो गाइस, सबसे पहले आकर जब खोलेंगे तो ये इंटरफेस खोलेगा। इसमें आपको अपनी कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इसमें आज ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपका ये खोलेगा। यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, सबको एक एक करके समझाते हैं। लाइक ज़रूर कीजिए सब लोग। सबसे टॉप पे देखिए, यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन है और साइड में यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, जिससे आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। और इसमें गाइस आपका इन्वर्ट का ऑप्शन है, इसे हम ऑफ ही रखते हैं। गाइस नीचे बहुत सारे फिल्टर्स है, सबसे नॉर्मल है, फिर वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट में देखेंगे कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, ऑटम में विनेट के साथ थोड़ा टोना की चेंज जाती है, स्प्रिंग में गाइस थोड़ी एक्सपोजर बढ़ता है, समर में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, विंटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। वही अगर इन्वर्ट देखें तो खास नहीं है, उसका पूरा कलर ही चेंज कर देते हैं। ब्लू एनो में थोड़ी सी शार्पन्ड इमेज आती है, बीस्टल में थोड़ी लाइट कलर आती है, हेज में गाइस बहुत ही ज़्यादा येलोइश टोन आ जाती है। इसमें कोई में गाइस इसका थोड़ा कलर कम कर देते हैं, एक्वेटिक में ब्लैक एंड वाइट और प्लस लाइट ब्लू टोन, इस मिस्टी में थोड़ी वाइट विनेट आता है और थोड़ा लाइट कर देते हैं उसे, ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। डिपर्ल्ड में इसकी टेम्परेचर तो कम करते हैं पर एक्सपोजर सिलेक्ट भी रखते हैं। इस ड्रीम में आके आपका पूरी इमेज को उसकी क्लैरिटी पूरी कम कर देते हैं। सुपर पंच में इसकी क्लैरिटी, टेक्स्चर और शार्पनिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इस विविड में बहुत ऑलमोस्ट सबको इक्वल रहता है पर ज़्यादा सही नहीं रहता है। गाइस आप इन सब में एक बात नोटिस कर सकते हैं कि इन सब में सब अलग अलग है, एक एक चीज़ पे फोकस किया है, पर हमें एक एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हमें सबको मिला के एकदम इक्वली स्प्रेड करना है। तो उसके लिए हम फोटोशॉप का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि अपनी गैलरी वाला एडिटर या फिर हम लाइट रूम यूज़ करेंगे। तो लाइट रूम यूज़ करेंगे, कर्व टूल ज़्यादा अच्छा रहता है उसका। यहाँ पे ग्लो में देख सकते हैं क्लैरिटी कम है और टेम्परेचर बढ़ा दिया है, कंट्रास्ट बढ़ा दिया है, यहाँ का सिलेक्टिव को एक्सपोजर बढ़ा दिया है, ब्लैक एंड वाइट है, सिल्वर्ड में थोड़ा विनेट और एक्सपोजर बढ़ा दिया है, कैरमाइन में एक टोन डाल दिया ऑरेंज किस नाम की, ये मेमोरी में गाइस थोड़ा ब्लैकिश टोन डाली है, चार्म में थोड़ा फेड टोन डाली है, पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा। चार्म टू में बहुत सही टोन आई है इसकी, चार्म थ्री में थोड़ी टेम्परेचर प्लस है, चार्म फोर में कॉन्ट्रास्ट है, चार्म फाइव में एक्सपोजर, चार्म सिक्स में टेम्परेचर माइनस, चार्म सेवन में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा, चार्म एट में एक्सपोजर, चार्म नाइन में एक्सपोजर प्लस अल्बिट ऑफ टेम्परेचर प्लस एंड नाउ विनेट प्लस एक्सपोजर प्लस अल्बिट ऑफ क्लैरिटी कॉन्ट्रास्ट, चार्म इलेवन, चार्म 12 में, जैसे इस सब में एक ही करके आते रहते हैं। जैसे हम वाइट बैलेंस में चलते हैं, वाइट बैलेंस में हम देख सकते हैं, मैं इन सब के भी बेस्ट बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम नॉर्मल में चलते हैं, नॉर्मल में बेस्ट कौन से हैं, नॉर्मल में आपको यूज़ करने हैं। जैसे एक तो आप ड्रीम का थोड़ा कम कर दे, इसे ड्रीम को थोड़ा कम करके यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। गाइस सिल्वर्ड अच्छी है टोन, सिल्वर टोन अच्छी है गाइस। चार्म चार में गाइस आप चार्म 11 यूज़ कर सकते हैं, ये चार्म 12 गाइस यूज़ कर सकते हैं, या चार्म 10 यूज़ कर सकते हैं, या फिर चार्म 15 ठीक ठाक लगती है। गाइस वाइट बैलेंस में आपको यूज़ करनी है ये 60s टीवी ग्रैब, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको गाइस बहुत ज़्यादा वैसे वीडियोस बनाने चाहिए ग्लिच टाइप, तो ये अच्छी है। इसमें डेलाइट बेस्ट है, डेलाइट अच्छी है इसमें, या फिर पिन होल को थोड़ा कम करके आप अच्छी तरह से उसके पिन होल बन सकता है, और उसके सिलेक्टिव टूल से आप इसको यहाँ पे हटा के उसकी थोड़ी इमेज हटा सकते हैं। ऐसे पोर्ट्रेट में चलते तो विनेट ग्लो
is my favorite here, and 3D is my favorite here. Guys, now we'll come in portrait. Portrait में guys classic भी बहुत सही लगता है. Guys colorful भी. Guys color का ऐसा color बन थोड़ा बढ़ा दिए जिससे देखिए guys हमारी जो skin में जो dark tones थी वो change हो चुकी हैं. और guys अब यहाँ पे हम चलते हैं twilight पे बहुत इनकी कम आता है guys. अब guys आगे हम बढ़ते हैं. आगे आता है हमारा splash. स्प्लैश में आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. जैसे स्प्लैश में आप वो कलर चूज़ करिए जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा है. जैसे आपके बैकग्राउंड में जैसे वाइट कलर, तो अगर आपने ड्रेस ब्लू कलर की पहनी है तो ब्लू लीजिए. यहाँ पे देखिए मेरा ब्लू बहुत ज़्यादा था, तो ये देख सकते हैं ब्लू टोन भी थी उसमें थोड़ी सी. देखिए ऐसे ब्लू अच्छा लग रहा है उसके साथ. कैसे अगर यहाँ पे देखिए ग्रीन हल्का सा कहीं आया होगा, ऑरेंज मैजेंटा हल्का सा इधर है, ग्रीन भी देख सकते हैं हल्का सा बीच में है. गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रेड में हमारा ऑरेंज केस वाला बन चुका है. आरजीबी भी ही तरह आरजीबी सबका मिक्सचर है. ये सब डुओ टोन ना ही यूज़ करें तो अच्छा है. गाइस डुओ टोन आप वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे डड देख सकते हैं इतना जब फास्टली आकर होगा तो वो सही रहेगा. गाइस और डुओ टोन का कुछ फ़ायदा है नहीं ऐसे. अब हम आते हैं पहले अपना ये सिलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे हमें कौन सा फिल्टर लेना है, विनेट का ग्लो यूज़ करेंगे और हल्का सा एक्सपोजर कम कर देंगे. फिर हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लाइट लीक्स हैं. फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं जैसे लाइट लीक है, बोके है, ग्रंच, रेन ड्रॉप्स, पेपर, कॉस्मोस, वाटर कलर. ये सब लास्ट से शुरू करते हैं, हम वाटर कलर से शुरू करते हैं. फिर वाटर कलर में हम यहाँ पे 11 वाटर कलर्स है. कॉस्मोस बहुत सारे हैं इसमें. सबसे पहले आपको कैसे इनको अगर हम ना यूज़ करें तो अच्छा है. इस वैसे ही बहुत अच्छी आती है इफेक्ट, तो हम इसको अगर स्किप करना चाहे तो कर दीजिए. इसमें इस ज़्यादा सही नहीं रहता है. जैसे इसके आगे हम रेन ड्रॉप्स गाइस सही नहीं है. ये इस बोके थोड़ा ठीक है, या फिर इस बोके में हल्का फुल्का बोके यूज़ कर सकते हैं. इज नॉट दैट कंपल्सरी है आप इसको यूज़ ना ही करें तो सही है. वैसे वो के यूज़ करें कभी कभी. गाइस हम चलते हैं क्रॉप पे. हमने ये वाला बोके यूज़ कर लिया, बोके 3. गाइस अब क्रॉप करते हैं. मैं जब हमारी यहाँ से देखे एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए. गाइस हमारी किसे करते हैं क्लिक. गाइस आके चलते हैं हमारी भी यहाँ पे. हम इसमें फिर हर एक इसमें गाइस देखिए हर एक इफेक्ट को बड़ा के हर एक फिल्टर बनाया गया है. इस वो सब तो मैं नहीं चाहिए, तो बस सीधा करेक्शन है. इसमें स्प्लिट टोन कर सकते हैं आप. गाइस वाले इफेक्ट बन रहे हैं हल्के. यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे वो रेड स्टोन वाली हमारी बन चुकी है. इसको अगर हम येलो करेंगे हल्का सा तो गाइस कहते गाइस पीछे थोड़ा अच्छा हो गया. यहाँ पे देखिए गाइस गाइस ब्लर हम पीछे थोड़ा यहाँ का गाइस ब्लर कर देते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं विनेट हमारा एडिड है पहले से. अब यहाँ पे हम सीधा ब्लेमिशेस को अगर ऐड करने हैं या हटाने तो इसमें कर सकते हैं. गाइस मैन्यूअल है गाइस, यहाँ ना यूज़ करें इसको. पिक्सार से एडिट करेंगे फिर. गाइस आइस का हमें कुछ करना नहीं है. गाइस टेक्स्ट में आप यहाँ पे कोई भी अच्छा टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस गाइस. मेक इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट. गाइस यहाँ पे ये छोटी सी अच्छी लग रही है हमारी. इसको हम गाइस यहाँ पे ऐड करते हैं. गाइस में हम फॉन्ट चेंज कलर सब इसमें सेट है पूरा. स्टिकर में आते हैं. स्टिकर में गाइस ये लव वाले स्टिकर्स ही बेस्ट रखते हैं. आप हल्का सा ऐसे इसको छोटा बड़ा मैनुअली कर सकते हैं. गाइस इसको यहाँ पे लाते हैं. गाइस ये लीजिए हमारी इमेज कंप्लीट है. गाइस यहाँ पे हमें एक और दे रखा है पार्ट शेडो विनेट ब्लैक. इसमें हम फ्रेम्स है, जो फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं गाइस. रियली गाइस बहुत अच्छे फ्रेम्स हैं. मैं गाइस बताऊँ तो गाइस एजेस यूज़ करिए. एजेस में फ्लिप फिल्म बहुत अच्छे हैं, स्नैपशॉट फिल्म एंड रफ एज हाफ टोन ड्रैक्ट. ये वाले यार सॉफ्ट एज ये गाइस बहुत अच्छे हैं. मैं तो फिल्म यूज़ करता हूँ कि साइड से. अभी तो फिल्म यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि एज पे है. तो गाइस अभी रफ एज यूज़ करेंगे. ब्लैक एंड वाइट रहेगा तो रफ एज में अच्छा लगेगा. गाइस अभी यहाँ पे हम इसको शेयर कर देते हैं. गाइस यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया बात
लाइट रूम और अडोब की, उसमें अगर हम प्रीमियम ना भी लेते तो इसमें आपको कोई भी वो नहीं मिलता है, कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलता। अगर जी हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं वाटरमार्क, बट ना ही करें तो अच्छा है। इतना अच्छा फीचर दे रखा है क्यों यूज़ करें। क्या जहाँ पे अब लाइट रूम में हम सीधा कर सकते हैं क्रिएटिव क्लाउड है इसका, जिस पर सारी फ़ोटोज़ अगर डिलीट करें तो भी सेव रहती हैं। ये जब सेव टू गैलरी कर देंगे, और गाइज यहाँ पे ये पूरी सेव हो चुकी है हमारी फ़ोटो, फुली एडिटेड हो चुकी है फोटोशॉप एक्सप्रेस से। सो गाइज अब आपको कैसा लगा फोटोशॉप एक्सप्रेस का ये ट्यूटोरियल एंड अ मास्टर क्लास एपिसोड? गाइज ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स और आने वाले हैं, सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर दी वीडियोस। और गाइज अगर कमेंट डाउन जरूर करना अगर आपको टोन्स वीडियो और चाहिए, तो गाइज मैं ज़रूर लाने वाला हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।